से तो सफाई का मन शहरन स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान। नाज़रीन आदाब, स्वच्छ भारत अभियान का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को शुद्धत और सूरत बख्शने के लिए जहां मुल्क में इस वक्त कई इकाइयां काम पर लगी हुई हैं, वहीं रियासत जम्मू कश्मीर में भी स्वच्छ भारत मिशन की अमल आवरी के लिए गांव और शहरी इलाकों में भी कई इदारे काम कर रहे हैं। शहरी इलाकों में बल्दियाती इदारे और म्यूनसिपलिटियाँ स्वच्छ भारत की अमल आवरी में जुटी हुई हैं और अपनी खसूसी कार्रवाइयों के तहत सफाई के क़याम के सिलसिले में हर मुमकिन इकदाम भी उठा रहे हैं। किसी भी मुल्क कौम की तरक्की के लिए जहां बुनियादी सहूलियात, अच्छे तालीमी निज़ाम और तसल्ली बख्श साइंस और टेक्नोलॉजी का मौजूद होना अहम माना जाता है, वहीं इस बात को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि सफाई सुथराई का भी एक इंसान की जिंदगी में निहायत ही अहम मकाम है। शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि सफाई आजादी से ज्यादा जरूरी है। यकीनन उनका ऐसा कहना दुरुस्त है, क्योंकि सफाई ही एक इंसान को हकीकी मानों में इंसान बना देती है। और इसी हकीकत के पेश नज़र मरकजी सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के नाम से एक मुहिम का आगाज किया, जिसका बुनियादी मकसद पूरे मुल्क को गंदगी से साफ और पाक बनाकर लोगों की सेहतमंद जिंदगी को यकीनी बनाना है। दरअसल भारत के मौजूदा वजीर आजम ने 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे मुल्क को स्वच्छ बनाने का एक ख्वाब देखा है। खुश आइंद बात यह है कि वजीर आजम के इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हर तबके और हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों की इसी गर्मजोशी का नतीजा है कि जम्मू और कश्मीर के रियासी ब्लॉक को ओपन डिफेकेशन फ्री करार दिया गया है। और इस हुसूलियाबी पर वजीर आजम ने मन की बात की 32वीं कड़ी में भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। भाइयों बहनों, आज मैं एक और खुशी भी आपसे बताना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में जम्मू कश्मीर का रियासी ब्लॉक, मुझे बताया गया कि रियासी ब्लॉक ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त हुआ है। मैं रियासी ब्लॉक के सभी नागरिकों को, वहां के प्रशासकों को, जम्मू कश्मीर ने उत्तम उदाहरण दिया है इसके लिए, सबको मैं बधाई देता हूं। और मुझे बताया गया इस पूरी मूवमेंट को सबसे ज़्यादा लीड किया है जम्मू कश्मीर के उस इलाके की महिलाओं ने। उन्होंने इस जागरूकता फैलाने के लिए खुद ने मशाल यात्राएं निकाली, घर घर गली गली जाकर के लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। उन माँ बहनों को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वहाँ बैठे हुए प्रशासकों का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती पर एक ब्लॉक को ओपन डेफिकेशन फ्री बना करके एक उत्तम शुरुआत की है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भी रियासी ब्लॉक के ओपन डेफिकेशन फ्री होने पर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही अपने एक ट्वीट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि रियासी को इससे पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में अव्वल दर्जा हासिल रहा है। माहौल को साफ और शिफाफ बनाने में औरतों का भी निहायत ही अहम किरदार है। और इसी बात की तरफ इशारा करते हुए वजीर आजम ने रियासी को ओपन डिफेकेशन फ्री बनाने का सहरा औरतों के सर रखा है। सियाहत के शोबे को हर सूरत में इस्तेकाम बख्शने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास को साफ रखें, ताकि कुदरत के इन बेशकीमती नज़ारों को हम हर तरह से महफूज रख सकें।
سیاحتی مقامات پر صفائی ستھرائی رکھنے سے جہاں ہم ان مقامات کو محفوظ رکھ سکتے ہیں وہیں ہم زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو وادی کی طرف راغب کر کے اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گلی کوچوں اور بنیادی ڈھانچے کو صاف و شفاف بنا کر جہاں بیماریوں کی شرح میں کافی حد تک کمی ہوگی، وہیں اس قومی مہم کے اقتصادیات اور معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ مثلاً سیاحوں کی شرح آمد میں اضافہ بہت حد تک بے روزگاری کا کلا کما کر کے لوگوں کو خود کفیل بنانے میں بھی نمایاں کردار ادا کرے گا۔ سوچھتا کی اہمیت کے حوالے سے للہ دید ہسپتال سری نگر کی ڈپٹی میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا۔ ہم نے بہت سی ہر جگہ ہر وارڈ میں سیگریگیشن کا انتظام رکھا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاسپٹل میں طرح طرح کا ویسٹ جو ہے اور وہ بہت ڈینجرس ویسٹ ہے، وہ رجوع ہوتا ہے، تو اور میونسپلٹی کا بھی ویسٹ ہے، تو اس ڈینجرس ویسٹ کو اور اس میونسپیلٹی کے ویسٹ کو سیگریگیشن کرنے کی ایک تو ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری انشورمنٹ پالیسی بھی ایسی ہے کہ یہ سیگریگیشن ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ویسٹ ہاسپٹل سے باہر نکلتے نکلتے دو جگہوں پہ جاتا ہے، ایک تو میونسپیلٹی بن میں اور دوسرا ایک بائیو میڈیکل ویسٹ سیگریگیشن اسپاٹ پہ جاتا ہے۔ تو لوگوں کو ہم ایسا جو ہمارے پیشنٹ کا جو ویسٹ نکلتا ہے وہاں پہ، چاہے وہ وارڈ کا ہو، تھیٹر کا ہو، لیبر روم کا ہو، یا کینٹینز کا ہو، یا کسی بھی آفس کا ہو، تو یہ بالکل ڈفرینٹ قسم کا ویسٹ ہوتا ہے۔ اور کیٹیگری کے حساب سے لیبر روم اور تھیٹر میں جو ہے سب سے زیادہ ڈینجرس ویسٹ نکلتا ہے، یا وارڈز میں بھی جس کو بائیو میڈیکل ویسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ویسٹ ہے، ڈگریڈیبل اینڈ نان ڈگریڈیبل ویسٹ بھی ہے، جن کے لیے بھی ہمارے الگ الگ طرح کے جو ہیں کلرڈ ڈسٹ بنس رکھے گئے ہیں، جو کہ ایک پالیسی کے تحت، پولیوشن کنٹرول بورڈ کی ایک پالیسی کے تحت جو کلرز آئے ہیں اس کے حساب سے ہر وارڈ میں آپ دیکھیں گے، تھیٹر میں، لیبر روم میں، لیبوریٹری میں، بلڈ بینک میں، اور ہر قسم کے جو ہیں لال، پیلا یا کالا اینڈ بلو کلر کا ویسٹ جو نکلتا ہے تو وہ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ہاسپٹل اور ہمارا جو ویسٹ جنریشن ہے اتنا ٹریمینڈس ہے، اماؤنٹ اتنا زیادہ ہے، اور ہمارا ایونچولی جو مین پاور ہے اور جو کہ اس انسنریٹر کو یا آٹوکلیو کو یا مائکرو ویو کو جو مین پاور ریکوائرڈ تھا، تو اس کو ہم نے، یا گورنمنٹ کی ایک پالیسی ایسی تھی کہ اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے شارٹ سینٹر کر کے ایک سینٹرلائزڈ بائیو میڈیکل ویسٹ ٹریٹمنٹ فیسلٹی کو دے دیا، تو جس سے بہت ہی ہمارا فائدہ ہوا، ہماری طرف سے، ہمارے لیے تو وہ بہت ہی ایک ایزی سیکشن پیدا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو مینٹیننس ہمارا جو ہے، ہمارے جو ہے ہاتھ سے نہیں، ضرورت نہیں پڑی اس چیز کی۔ تو جو یہ ویسٹ اب ہاسپٹل سے نکلتا ہے یہ کامنلی ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے جو کہ اگین ایک گورنمنٹ اسپیسیفائڈ بائیو میڈیکل ویسٹ ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہے، جو ان کے ہی تحت، ان کے ہی لائسنس کے انڈر چل رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے اس سے ہمارے ہاسپٹل کو اور باقی ہاسپٹلس کو کافی فائدہ ہوا۔ ملک کی دوسری ریاستوں کے ساتھ ساتھ ریاست جموں و کشمیر میں بھی سوچھ بھارت ابھیان کے تحت مختلف سرگرمیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، جیسے غریبی کی سطح سے نیچے رہ رہے لوگوں کے لیے بیت الخلاء بنوانے کے علاوہ ٹیوب ویلز اور غسل خانے بھی تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ کوڑے دان نصب کر کے کلہم صفائی کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں سری نگر میونسپل کارپوریشن کی میڈیا آفیسر نے کہا، سری نگر میونسپل کارپوریشن پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے سوچھ بھارت مشن کو لے کے، جیسا کہ ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، لیکن اس میں اگر دیکھا جائے مین موٹیو، جو مین ایم ہے، اوپن ڈیفیکیشن فری۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے، سری نگر شہر کی بات کی جائے، اوپن ڈیفیکیشن فری ایز سچ کہیں پہ ہے نہیں، لیکن یہاں پہ اتنے سارے انڈیویجول ہاؤس ہولڈس ہیں جن کے ٹوائلٹ کنڈیشنز اچھے نہیں ہیں، انسینیٹری ٹوائلٹ کنڈیشنز ہیں یا کمیونٹی ٹوائلٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور جہاں پر ہے وہ شاید پراپرلی مینٹین نہیں کیے گیا، اس میں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، سوکش پٹس کی، ڈرینیج کی وغیرہ۔ تو آج کی ڈیٹ کی اگر ہم بات کریں، ابھی تک ہم نے یہاں کچھ اپلیکیشن ریسیو کی ہے، کچھ 18,000 کے آس پاس، جس میں ہم نے پراپرلی ویریفائی کیا، ہمارے یہاں ایک ٹیم کانسٹیٹیوٹ ہوئی، تو ہاؤس ٹو ہاؤس انہوں نے سروے کیا، دیکھا کہاں پر ریکوائرمنٹ ہے اس چیز کی۔ اپلیکیشن تو بہت ساری آئی، تو یہ سب کانٹ چھانٹ کے ہماری ایک ٹیم نے
कुछ 4000 के आसपास यहाँ एप्लीकेशंस हमने वेरीफाई कर ली और उसमें से भी हमने बहुत सारी अप्रूव कर ली हैं. अप्रूव इन द सेंस जहाँ पे वाकई ये रिक्वायरमेंट है, जिनके पास चाहे इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन जिनके पास नहीं है या जिनके पास कम्युनिटी टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो अप्रूव होके हमारा काम चल रहा है, हर जगह चल रहा है, हर वार्ड में चल रहा है. इसके मजीद भी हम फिर से और एक फ्रेश सर्वे करने जा रहे हैं जहां हम देखेंगे कि किन लोगों को इसकी जरूरत है, वो आगे बढ़े, वो एप्लीकेशन फॉर्म्स यहां हमारे यहां सबमिट करें. हमारे यहां कॉर्पोरेशन से एक नोटिस हमने इशू किया था अखबार में, जो हमने रिपीटेडली बार बार एक पब्लिकेशन के लिए भेज दिया, तो वहां पर हमने लोगों को बता दिया, इन्फॉर्म कर लिया कि जिनको भी इस फैसिलिटी की जरूरत है, चाहे वो कम्युनिटी टॉयलेट्स हो या इंडिविजुअल हाउस हो, लैट्रीन्स हो, या जिनके पास बिल्कुल ऐसा भी होगा, शहर बहुत बड़ा है श्रीनगर सिटी, तो आप देखेंगे आउटस्कर्ट्स में भी कुछ ऐसे हाउसेस होंगे शायद जिनके पास टॉयलेट्स ना हो, उनको सिंपल एक फॉर्म हमारे यहाँ लेना है, वो सबमिट करना है और अपने वार्ड पे वो जो कंसर्न वार्ड ऑफिसर है वो फॉर्म फिल करके उनके पास सबमिट करना है. उसके बाद हमारे यहाँ से एक टीम जाएगी, वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगी वेदर दैट इंडिविजुअल हाउस होल्ड रिक्वायर्स अ टॉयलेट और नॉट, और इवन इफ दे हैव दैट इज नॉट प्रॉपरली सैनिटाइज्ड, तो उनको भी हम जैसे कहीं पे सोकेज पिट्स की जरूरत है या प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस की जरूरत है, उनको भी ये वो स्कीम ये अवेल कर सकते हैं. जहाँ पे ड्रेन की जो प्रॉब्लम था कवर अप हो चुकी है. अगर आप देखेंगे अब खाली सिटी तो महदूद लाल चौक तक नहीं है, या जी बहुत बड़ी सिटी है जहाँ पे हमें ज्यादा एक्सेस प्रॉब्लम लगी ड्रेनेज की, हमने शुरू वहां से काम शुरू किया. एसटीपीज हमारे यहाँ पे सेटअप होते हैं प्रॉपरली, तो हमने बहुत सारी ड्रेन्स कवर भी की हैं. अभी मैं मानती हूँ अभी भी बहुत सारी ड्रेन्स होंगी जो अनकवर्ड होंगी, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन इस कॉम्पोनेंट के अंडर हम जरूर उनको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और करना भी है, लेकिन ये एक टाइम लेता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन जहां पे हमें लगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रेन कवर ही कवर करनी है, तो हमारे ऑलरेडी टेंडराइजेशन हो गया, हमने काम भी अलॉट किया है और इसकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है. हमारे जो कमिश्नर साहब है वो हर हफ्ता रिव्यू मीटिंग लेते हैं हमारे ड्रेनेज सर्कल के साथ कि क्या किया गया, जितनी भी ड्रेन वगैरह कवर हो जाती है उनका भी एक प्रॉपर लिस्ट बनता है और जो अभी अनकवर्ड है उस पर भी काम चल रहा है. अहम बात ये भी है कि इस मुल्कगीर मुहिम ने जहां लोगों में गंदगी के तई नफरत पैदा की है, वहीं हर घर में एक बैतुल खला बन जाने से औरतों की इज्जत व आबरू भी बहाल हुई है. स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए आए दिन मुख्तलिफ आगाही प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जाता है, जिनकी बदौलत लोगों को जाती और माहौलियाती सफाई के बारे में भी आगाही दी जाती है. हेलो, और भाई कैसा है तू, कहाँ है इन दिनों? मैं तो बढ़िया भाई, इन दिनों रिहायशी कॉलोनी में ड्यूटी लगी हुई है. और तुम कहाँ हो, जरा अपनी सुनाओ. मेरी ड्यूटी आज से पार्क के बीचों बीच लगी है, आज से खूब कचरा इकट्ठा होगा मेरे अंदर. क्या कहते हो भाई, देखना कूड़ा तो मेरे अंदर ही पहले जमा होगा. ओहो, तो हो जाए कंपटीशन, जो पहले भरेगा वही जीतेगा. हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कौन सा डरता हूँ. तो चल देखें किस में है कितना दम. यह हार इस डस्टबिन की नहीं बल्कि हमारी है. जरूरत केवल एक कदम और बढ़ाने भर की थी, एक कदम स्वच्छता की ओर. कचरा कूड़ेदान में ही डालें और भारत को स्वच्छ बनाएं. मरकजी सरकार ने जहां अपने इक्तदार के 3 सालों में स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए शद्दोमद से काम जारी रखा, वहीं रियासती हुकूमत ने भी इस मुहिम को मंजिल की ओर ले जाने में
काफी मेहनत और लगन का मुजाहिरा किया है। लोगों को इस स्कीम से इस्तेफादा देने के लिए हर मुमकिन सहूलियात दस्तियाब रखी जाती है। तसल्ली बख्श बात यह भी है कि आम लोग भी स्वच्छ भारत मुहिम के निफाज से मुतमईन और खुश नजर आते हैं। मजकूरा स्कीम के फवायद गिनवाते हुए लोगों ने यूं कहा कि सबसे ज्यादा रोल तो म्युनिसिपैलिटी का ये कि उस उन लोगों को आके वो सारा गंद हटाना पड़ेगा, सिटीज से सारा गंद हटाना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो उनका वो लोग अपने एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे तो सिटी साफ नहीं रह पाएगी। और आई थिंक ये जो एक मिशन है जो मोदी साहब ने शुरू किया है, वी ऑल हैव टू सपोर्ट इट, एवरी इंडिविजुअल हैज टू गो फॉर इट। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो बेसिक लेवल की है वो तो एक इंसान पे ही आ जाएगी। मतलब अगर एक इंसान एक बेसिक लेवल से शुरू नहीं करेगा, वही जैसे कहा जाता है कि एक बिल्डिंग तभी बनेगी जब वो बेसिक एक ब्रिक हम शुरू रखेंगे, तो वो ब्रिक एक इंसान ही है। अगर वो अपने आसपास सफाई नहीं रखेगा तो फिर वो सिटी में कैसे फैलेगी और फिर इंडिया में कैसे फैलेगी या देश में या दुनिया में कैसे सफाई होगी। जैसे यूएस में अगर हम बाहर कचरा भी फेंकते हैं इवन उसका भी फाइन होता है, तो यूएस में अगर कचरा भी फेंकते हैं इवन उसका भी फाइन होता है। वो बेसिक लेवल से तो इंसान से ही शुरू होगा। सफाई के बारे में हम ये बात बताएंगे, अगर हम इस वक्त मगल गार्डन जैसे निषाद शालीमार इन गार्डन में अगर कुछ खाने के लिए चीज़ें वगैरह लाएंगे तो जहाँ खाने के बाद जो कूड़ा करकट वगैरह होगा उसको जमा करके डस्टबिन में फेंकना चाहिए। बाद में म्युनिसिपल कमेटी, इसकी रेस्पेक्ट म्युनिसिपल कमेटी डस्टबिन उठाकर कहीं दूर ले जाएगी जहाँ से हमें गेटरेट मिलेगा बहुत सारे डिजीज़ को। अगर डिस्पोजेबल एक ही जगह बहुत जमा होगा तो उससे फीवर पड़ता है, मलेरिया होगा, कॉलरा होगा, तो इन डिजीज से गेटरेट चाहिए हमें। इसलिए जो कुछ भी कूड़ा करकट ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। जब भी कूड़ा करकट जमा होगा तो उसको डस्टबिन में जमा करना चाहिए। सफाई होनी चाहिए, सफाई से सेहत ठीक होता है। सफाई अगर गंदा रखेगा तो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, बीमार पड़ जाएगा। सफाई ठीक होता है जी। जब अपना घर हम अपना साफ रखते हैं तो बाहर क्यों नहीं साफ रख सकते? तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि जितना हो सके कि अपने आंगन को, बाहर को, रोड पे, जो भी जहां है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। सफाई अगर हम रखेंगे ना तो सबसे बड़ी चीज़, जो दो टाइप्स की डिजीज़ हैं, या तो इन्फेक्शियस है या क्रॉनिक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ का मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ गंदगी की वजह से ही होती है। स्पेशली जो जीआई इन्फेक्शन है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, वो गंदगी की वजह से ही होती है। आसपास अगर गंद होगा वहाँ मक्खियाँ बैठेंगी, मच्छर बैठेंगे, मच्छरों से मलेरिया होगा, मक्खियों से कितनी जीआई इन्फेक्शन होंगे। तो अगर आसपास सफाई होगी तभी इंसान स्वस्थ रह सकता है, तभी वो हेल्दी रह सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब आसपास सफाई होती है तो आपको खुद को अच्छा फील होता है, आपकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी रहती है, और अगर आपका दिमाग अच्छा है आपकी लाइफ अच्छी है। गर्ज मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई स्वच्छ भारत मुहिम नुमाया अहमियत की हामिल होने के साथ साथ फायदा बख्श भी है। जरूरत इस अम्र की है कि लोग भी हुकूमत का साथ देकर स्वच्छ भारत के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने में अपना योगदान दे। नाज़रीन, स्वच्छ भारत का आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय और सलाह से हमें जरूर नवाजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ddksrinagar@gmail.com या ddksrinagar.jk@gmail.com। यही नहीं, आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/ddkashir channel। नाज़रीन, आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/ddkashir channel। और हाँ, आप हमसे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब एड्रेस है youtube.com/c/ddkashir। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है।